घूम लिया है। अब हम अपने जा रहे हैं एरिया में नोएडा। ये देखिए जयपुर जंक्शन पर खड़े हुए हैं हम लोग, घूम सकते थे। कल सुबह पहुंच जाएंगे हम अपने घर दिल्ली। वाओ, अपना घर अपना ही होता है, चाहे जहाँ भी घूम के आओ, छोटा हो बड़ा हो अच्छा हो जैसा हो भी, अपना घर अपना ही होता है। तो ये घूम करके थक गए, 3 दिन का था टूर हम लोगों का, घूम लिया, मौज मस्ती कर। मेन दिक्कत ये थी ना, गर्मी में कहीं नहीं जाना चाहिए किसी भी टूर बनाने के लिए। मौसम या तो बरसात में जाओ या तो सर्दियों में जाओ, गर्मियों में हालत खराब हो जाती है। फिर भी ठीक था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। हाँ, कंचन चलने में बहुत माहिर है। चलो चलते हैं, ट्रेन का इंतजार करते हैं। इसका मायका बियर गांव में है ना, यहाँ 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, कोई सवारी नहीं मिलती है। बगल में सब कुछ है, चलो अच्छा, बाय बाय। ये देख रहे हो। चलो भाई, ट्रेन चलने वाली है, कुछ देर में हम लोग बैठ चुके हैं। हमको लग रही थी गर्मी, तो हमने कर दिया कुर्ता चेंज, पहन लिया टी शर्ट। बाय बाय। निकल रहे हैं हम लोग स्टेशन से बाहर। सुबह सुबह का मौसम है, हल्की हल्की धूप है। चलो अभी चल रहे हैं, नहीं ट्रेन मेट्रो से है, आगे से बदल लेंगे। बाबू, सुनेगा ही नहीं।
कोई जगह सुकून नहीं है इधर बगे का कहीं क्या ये देखो बाबू क्या कर रहा है। हम लोग आ गए थे घर, आके सो गए थे, उसके बाद जागे तब खाया तब नहाया, बस ऐसे ही शाम हो गई और खूब सो एकदम से। तीन चार दिन वो नहीं सो पाए, उसकी कसर पूरी हो गई। ये देखो ये दूध आ गया चाय के लिए, ये फैला रहे हैं, ठंडा इतना है कि उनको देखो मज़ा आ रहा है। फिर भी ये मुँह कैसे बना रहे हैं, ये ज़्यादा घूम घूम के थक गए थे, दो दिन से इन्हें कपड़े ही नहीं बदलवाए थे, सो जाते थे तैयार करने के टाइम। आज ये अपने कच्चा बनियान में घूम रहे हैं, घर आके घर वाली फीलिंग ले रहे हैं। ये पड़े हुए हैं आराम से मोबाइल में घुसे रहते हैं। टीम नहीं बनाई टीम, दुख हो गया होगा बाबू। ए बाबू बैबाओ बैबाओ, किधर जा रहा, किधर जा रहे? शाम के हो रहे हैं, सवा छः, चलते हैं थोड़ा चाय बनाते हैं। घर की चाय नहीं बनाई है काफ़ी दिन से, चाय बना कर पीते हैं बढ़िया से मज़े से। घूम घूम कर तो शकल ने बच गए हैं, वैसे ही बाहर है ये, पता नहीं कहाँ सो कहाँ गया, वो खेल रहा था, सो गया है, सीधा लड़ा था आराम से सो गया। चलो चाय बनाएगा किचन की ओर, चार दिन से किचन में कुछ नहीं बनाए दूध।